हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल पे देखा कि हम लोग आज फ्री एनर्जी टेबल फ़ैन बनाएंगे, तो इस वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ैन बनाने के लिए आपको कौन कौन सा मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको कुछ आइसक्रीम स्टिक का, जैसा मैंने स्ट्रक्चर बना के ये रखा है, उस हिसाब से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसका। और आपको इसमें चाहिए एक प्रोपेलर, जिससे आपको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, और कुछ पुल्ली, जिससे हम फ्री एनर्जी और इस टेबल फ़ैन के सहायता से एक लैंप जलाएंगे। और आपको ये 9 वोल्ट का डबल शाफ्ट डीसी मोटर का ज़रूरत पड़ेगा, और इसमें कुछ वायर की आपको ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों, और छोटा सा एक LED लैंप, जिससे हम फ्री में जलाएंगे, मतलब फ्री एनर्जी टेबल फ़ैन से जो मिलेगा उससे हम इसे जलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब लेट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डबल शाफ्ट डीसी मोटर यूज़ कर रहे हैं, और इसमें अभी हम लोग वायर कनेक्ट करेंगे। और वायर कनेक्ट करने से पहले ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए कि डीसी मोटर का प्लस टर्मिनल कौन सा है और माइनस टर्मिनल कौन सा है, क्योंकि अगर आप वायर गलत जोड़ोगे तो आपका जो फ़ैन है वो उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा, जिससे आपको हवा नहीं लगेगा। और अगर आपको पता नहीं है कि ये प्लस और माइनस का टर्मिनल कहाँ होता है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी डीसी मोटर का जो प्लस टर्मिनल होता है, उसके सामने में आप गौर से देखिएगा कि एक छोटा सा निशान बना होगा या फिर एक सिंबल बना होगा प्लस का। अगर जिसमें सिंबल नहीं बना हुआ होता है, उसमें एक छोटा सा निशान बना होता है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये प्लस टर्मिनल है। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने अभी दोनों टर्मिनल को सोल्डरिंग कर दिया है। और जब भी आप सोल्डरिंग आयरन यूज़ करें तो अपना सेफ्टी का ख्याल ज़रूर रखें। दोस्तों, हमारा यहाँ मोटर का वायरिंग कम्प्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इस मोटर को, जो हमने आइसक्रीम स्टिक से एक स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने आपको पहले ही दिखाया था, उस स्ट्रक्चर के अंदर इस मोटर को आराम से बैठाएंगे, जिससे क्या होगा कि जब भी हमारा मोटर ये चलेगा तो इसमें वाइब्रेशन कम होगा और ये अपने जगह पे एकदम सही बैठा हुआ रहेगा। तो इसको चिपकाने के लिए दोस्तों, मैंने, आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम स्टिक के अंदर मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है, और इसके बाद मैं इसे स्टैंड ग्लू से भी चिपका दूंगा, ताकि ये अपने जगह पे अच्छे से बैठ जाए। और आपको भी टेक्निकल वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा मोटर परफेक्ट बैठ चुका है स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम इसे फेविक्यूब की मदद से अच्छे से चिपका देंगे, ताकि जब हमारा मोटर चले तो इसमें वाइब्रेशन कम हो। और दोस्तों, ये बहुत इजी प्रोजेक्ट है, आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप आराम से इसका हवा भी खा सकते हैं गर्मी के मौसम में, और जैसे गर्मी के मौसम में लाइन बहुत कटता है, तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि इसे आप 12 वोल्ट की बैटरी से आराम से चला भी सकते हैं, और आपको लाइट की ज़रूरत पड़े तो आप इससे लाइट भी जला सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, इससे आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका डिज़ाइन मैंने ऐसा बनाया है कि इसे आप घर में आराम से सजा भी सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, इतना सुंदर दिखता है बनने के बाद, कि आप इसे अपने घर में शोकेस में सजा भी सकते हो, और बच्चे इसे अपने स्कूल में प्रोजेक्ट में भी बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसीलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर बारीकी से बारीकी चीज़ को समझाया हूँ, और मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ दोस्तों कि जो भी वीडियो से रिलेटेड बातचीत है ये आपको पूरा समझ में आए, इसका जो भी वायरिंग है वो आपको पूरा समझ में आए, इसका जो भी डिज़ाइन है स्ट्रक्चर का वो आपको पूरा समझ में आए। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं हमेशा जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ, जो वीडियो आपका हमेशा काम आ सके। दोस्तों, यहाँ हमारा मोटर का वायरिंग पूरा कम्प्लीट हो चुका है, उसका स्ट्रक्चर भी कम्प्लीट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग उसका नीचे का जो बॉडी है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने वायर है, मैंने मोटर का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी एक होल किया था, और इसका जो नीचे का बॉडी है उसमें भी मैंने एक होल किया है, जिससे हमारा वायर इसके अंदर चले जाए। दोस्तों, वायर अंदर रखने से फ़ायदा ये है कि जब हमारा टेबल फैन बन के रेडी हो जाएगा, तब ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा।
देखिए दोस्तों, इसके नीचे का जो फ्रेम है, जो नीचे का स्टैंड है, उसमें भी मैंने एक होल किया था जिससे हमारा वायर पूरा नीचे चले जाए, जिससे हमारा जो वायरिंग है वो एकदम दिखे ना। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो मोटर है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि हम लोग यहाँ डबल शाफ्ट मोटर यूज़ कर रहे हैं, जिसका डबल शाफ्ट होता है। तो एक शाफ्ट में हमारा फ़ैन रहेगा और दूसरा शाफ्ट में ये पुल्ली मैं फिक्स कर रहा हूँ। ये पुल्ली क्या काम करेगा, ये वीडियो को देखते जाइए दोस्तों, आपको ये आखिर में पता चल जाएगा कि ये पुल्ली का हमारा क्या काम आता है। तो यहाँ पे ये पुल्ली परफेक्ट ये फिक्स हो चुका है अपने जगह पे। अब दोस्तों, इसका जो स्टैंड है, इस स्टैंड को भी हम लोग पूरा परफेक्ट अच्छे से बैठा के इसे भी फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा मेढ़ा फिक्स ना हो, क्योंकि आप फेविक्विक यूज़ करोगे तो फेविक्विक बहुत जल्दी वर्क करता है। तो आपका जो स्ट्रक्चर अगर टेढ़ा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा ये बाद में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। अब इसका जो नीचे का वायर आप देख सकते हैं, जो दो वायर निकला है, इस दो वायर को भी हम लोग फेविक्विक की मदद से इसे भी चिपका देंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे फेविक्विक यूज़ कर रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आप चाहे तो फेविकॉल से भी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, या फिर जो ग्लू गन आता है उससे भी आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। लेकिन जो फेविक्विक होता है ये तुरंत चिपक जाता है, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी अपने जो फ़ैन है उसका छत बना रहा हूँ, और हमारा मोटर चलते चलते गर्म ना हो, इसका वेंटिलेशन भी होते रहे। तो इस छत पे मैंने थोड़ा गैपिंग भी दिया है जिससे हमारा वेंटिलेशन भी होते रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा टेबल फ़ैन बन के रेडी हो चुका है। और दोस्तों, अब हमारा दूसरा काम जो है वो है कि कैसे इस टेबल फ़ैन की हेल्प से हम एक फ्री में एक छोटा सा LED बल्ब को जला के अपने घर को रोशन कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, हम लोग 5 वोल्ट का एक छोटा सा मोटर यूज़ करेंगे, और एक छोटा सा पुल्ली, और लाइट जलाने के लिए एक छोटा सा LED बल्ब। तो दोस्तों, इसे भी हम लोग फेविक्विक की हेल्प से अच्छे से चिपका लेंगे, ताकि जो मोटर है वो अपने जगह से हिल ना सके, और उसके बाद उसे टेबल फ़ैन में अच्छे से चिपका लेना है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो मोटर का पुल्ली और टेबल फ़ैन का पुल्ली, दोनों का डिस्टेंस एकदम बराबर होना चाहिए, और दोनों एकदम सीधा में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा मोटर जो है वो पूरा स्मूथली रन करेगा, और हमारा टेबल फ़ैन भी है वो पूरा स्मूथली रन करेगा दोस्तों, जिससे हमें पावर ज़्यादा मिलेगा और हमारा बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। और उसके बाद हमें दोनों पुल्ली को एक रबर बैंड की हेल्प से ऐड कर देना है, जोड़ देना है दोस्तों। यहाँ हम जो LED बल्ब यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, इससे भी दो तार को कनेक्ट कर देंगे, दो वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं दो कलर का वायर यूज़ किया हूँ, एक ब्लैक और एक येल्लो। तो जो येल्लो वायर है दोस्तों, वो प्लस का वायर है, मतलब पॉजिटिव वायर है, और जो ब्लैक वायर है वो माइनस का वायर है, मतलब नेगेटिव वायर है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए, मेरे मोटर से भी एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर निकला है। तो रेड वायर को मैं येलो वायर से जोड़ रहा हूँ, जो मेरा LED का पॉजिटिव वायर है, और ब्लैक वायर जो निकला है मोटर से, वो LED का ब्लैक वायर से मैं जोड़ रहा हूँ, जो कि LED का नेगेटिव वायर है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ये चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा कि प्लस माइनस अगर इधर उधर हो जाएगा तो जो आपका LED बल्ब है वो नहीं जलेगा। और दोस्तों, LED बल्ब का वायरिंग कंप्लीट होने के बाद इसे भी मैं अपने टेबल फ़ैन के बगल में फेविक्विक की हेल्प से चिपका दे रहा हूँ, ताकि ये भी अपने जगह से हिले डुले नहीं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट हो चुका है बनके। सिर्फ हमारा इसमें जो मोटर है, जो टेबल फ़ैन के लिए 12 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, जो आप बैटरी से भी दे सकते हो, और एक जो मार्केट में आपको 20 से 30 रुपये में एक AC to DC कन्वर्टर मिलता है, आप उससे भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों, देख सकते हैं आप कि AC to DC कन्वर्टर यूज़ किया है, ये मार्केट में 20 से 25 रुपये में आपको मिलता है। तो इस कन्वर्टर से हम आप अपना टेबल फ़ैन कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो मेरा येल्लो वायर है, ये टेबल फ़ैन का पॉजिटिव वायर है, जो मैं कन्वर्टर का रेड वायर से, मतलब कन्वर्टर का पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ, और टेबल फ़ैन का ब्लैक वायर जो है वो है निगेटिव वायर, जो मैं कन्वर्टर का ब्लैक वायर यानी निगेटिव वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग वायरिंग में थोड़ा भी इधर उधर मत कीजिएगा, नहीं तो आपका मोटर जल सकता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा टेबल फ़ैन बन के पूरा रेडी हो चुका है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।